हेलो एंड वेलकम टू आर लेक्चर ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज वन दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आर लेक्चर सीरीज ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस इस लेक्चर को हम तीन पार्ट में कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस के ठीक है इंट्रोडक्शन छोटा सा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दैन टाइफॉइड फ़ीवर बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन हम देंगे इसमें देन हम पढ़ेंगे टाइफॉइड फ़ीवर क्या होता है क्या बैक्टीरिया होते हैं उसके टीबर कि लॉसिस का बैक्टीरिया क्या होता है लेप्रेसी का क्या होता है एंड कॉलेरा का क्या होता है आपको इसमें यह भी याद रखना है कि ये बीमारियां होती हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीजेस कहलाती हैं कई बार क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यह पर्टिकुलर डिजीज इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है या इनमें से कौन सी पर्टिकुलर डिजीज बैक्टीरियल है तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा जहां पे आप लाइन से जैसे हमने पिछले लेक्चर में वायरल डिजीजेस कवर करी आप एक लिस्ट बना के उनके नीचे सारी वायरल डिजीज लिख लीजिएगा एंड देन एक लिस्ट बना के बैक्टीरियल डिजीजेस हेडिंग देखें उसके नीचे सारी बैक्टीरियल डिजीजेस राइट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी मा नेम एस अमन श्रीवास्तव आई हेव डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आई ई टी लखनऊ I've cleared SSC CGL 2016 pre plus mains. You can follow me on an academy and please rate कीजिए review कीजिए इस lesson को ताकि हमें उससे पता चलता रहता है कि आपको कैसा लगा आपको quality content की कैसी लगी and please do share the lecture. Start करते हैं. Bacteria क्या होते हैं? Bacteria हम सबसे पहले दो classes में divide रखा हुआ है. Aerobic and anaerobic. एरोबिक मतलब होता है जो थ्राइव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनको बोलते हैं एरोबिक ठीक जिनको जिंदा रहने के लिए एयर की आवश्यकता या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम कहते हैं एनारोबिक ठीक है बैक्टीरिया और एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स राइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो ए सेल्यूलर ए सेल्यूलर मतलब होता है सेल फ्री राइट उनमें सेल नहीं होते हैं बैक्टीरिया में राइट बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था दैट इज एंटनी वैन ल्यून हॉक एंटनी वैन लिवन हॉक ने बैक्टीरिया डिस्कस किया था और इन्होंने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया था और पहला लिविंग सेल पहला लिविंग सेल स्पर्म सेल था जो कि पहला लिविंग सेल जो डिस्कवर हुआ था डार्वर स्पर्म सेल वो भी एंटनी वैन लिविन हॉक ने ही डिस्कवर किया था तो इनकी कौन कितनी चीज़ें डिस्कवर की हो गई एंटनी वन लिविन हॉक की पहला बैक्टीरिया इन्होंने किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने किया और स्पर्म सेल भी इन्होंने किया अभी एग्जाम में कभी कभी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो क्वेश्चन देता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया तो सिंपल माइक्रोस्कोप एंटनी वैन लिवन हॉक ने नहीं किया वहां ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए हो सकता है एंटनी वैन लिवन हॉक ही हो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एंटनी वैन लिवन हॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था राइट right? बैक्टीरियोलॉजी के फादर भी हम एंटनी वैन लिवन हॉक को बोलते हैं क्यों बैक्टीरियोलॉजी के फादर बोलते हैं क्योंकि पहला डिस्कवर पहला बैक्टीरिया इन्होंने ही डिस्कवर किया फिर आगे की स्टडी इन्होंने ही इन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि बैक्टीरिया क्या है इसीलिए हम इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं अब आते हैं कौन कौन सी डिजीजेस हैं बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं सबसे पहले तो टाइफॉइड फीवर इसका बैक्टीरिया सेल्बोनेला पैराटाइफी राइट या टाइफी भी हम इसको बोलते हैं ठीक इसका मोर कॉमन इसका टर्म है टाइफी अफेक्टेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत इससे अफेक्ट हो जाती है ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड वाटर अभी क्या होता है जैसे ये बाहर खाने से बहुत हो जाता है आप कभी जब भी बाहर खाओ अनहाइजीनिक प्लेसेस जो होती है ना उनके वाटर में ये बैक्टीरिया तो बाहर के पानी से कंटामिनेशन होता है उस उस पानी में बैक्टीरिया होता है और वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को वो डैमेज करता है वो इसमें इसमें टाइपॉयड फीवर में बहुत तेज़ फीवर आता है और कुछ भी आप खा नहीं पाते हो जैसे ही आप खाते हो तुरंत या तो लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाता है इसका टेस्ट आपको याद रखना है विडाल टेस्ट होता है इस टेस्ट को होने में 72 टू आवर्स लगते हैं इसको होने में ठीक है देन ट्यूबो जिसको हम कॉमन टर्म्स में टी टी बी भी बोलते हैं इसका बैक्टीरिया क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबो कोलॉसिस अफेक्टेड पार्ट लंग्स एंड ऑर्गन्स ठीक लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स देखिए लंग्स में भी टी वी होता है देन ब्रेन टी बी भी होता है देन कभी कभी बोन टी बी भी होता है ठीक है ट्रांसमिशन कैसे होता है बाई एयर या हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका राइट स्पुटम या फिर स्पुटम के थ्रू टेस्ट क्या है इसका ट्यूबर टेस्ट राइट वैक्सीनेशन क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए देखिए ये सब ये डिजीज कुछ ऐसी हैं जिनका अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन पहले से हो तो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है ट्यूबर क्लॉसिस उन्हीं में से एक है अगर इसका वैक्सीनेशन हो जो कि इसका वैक्सीन होती है बी इसका वैक्सीनेशन होता है बीसीजी बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट एंड गुएरिन बैसिलस कैलमेट गुएरिन ये बीसीजी वैक्सीनेशन है ट्यूबर क्लासेस के लिए ठीक है और डॉट्स जो है डब्ल्यू एच ओ का एक मिशन है डॉट्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट छः महीने का टीबी का ट्रीटमेंट देता है ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आपको एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना होता है अगर आप इस ट्रीटमेंट पे हो अगर आपने एक भी दिन अगर आपने ये ट्रीटमेंट स्किप कर दिया तो क्या होगा कि आपको दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा ये रिग्रेस ट्रीटमेंट होता है बहुत आप कुछ नहीं एक गोली आप खाते रहो ये छः महीने का ट्रीटमेंट हो रहा है टीबी का क्लियर लेप्रसी लेप्रसी को हिंदी में हम कोढ़ भी कहते हैं ठीक कोढ़ में क्या होता है आपने शायद मूवीज में देखा हो उंगलियाँ और ये जो हाथ के अंगूठे वगैरह होते हैं गलने से लगते हैं ये कंटेजियस uh, डिजीज़ होती है ये फैलती है इसीलिए जो इनके मरीज़ होते हैं लेप्रेसी के इनको अलग इनका हॉस्पिटल में भी इनका अलग वार्ड होता है लेप्रेसी वार्ड अलग होता है इनका इनको हम नॉर्मल पेशेंट्स के साथ नहीं ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये कंटेजियस ये बहुत ही संवेदनशील बीमारी होती है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है इसका वायरस फैलता है इसका छूने भर से इसका वायरस फैल जाता है इसका बैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है माइको बैक्टीरियम लैप्री अफेक्टेड पार्ट स्किन एंड नर्वस सिस्टम लॉस ऑफ सेंसिटिविटी मतलब कि क्या होता है कि सेंसिटिविटी का मतलब अगर आपको ये स्टार्ट हो गया होना तो आपको स्किन पर जैसे अभी आप अपने पेन से आप एक एक्टिविटी करो आप एक पेन से ना अपनी स्किन के ऊपर आप एक पॉइंट से ऐसे स्ट्राइक करो तो आपको फील होगा जो जिन बंदों को ये स्टार्ट होता है जिन लोगों को ये लेपरिसी स्टार्ट होती है उनकी सेंसिटिविटी चली जाती है उनकी स्किन पे अगर आप ऐसे करोगे तो उनको फीलिंग ही नहीं होगी उसकी सेंसिटिविटी टच चली, चली जाती है उनकी स्किन से राइट तो वो क्यों क्योंकि नर्वस सिस्टम अटैक होता है उनका इस बीमारी से ट्रांसमिशन कैसे होता है पर्सन टू पर्सन बाई टच खाली टच करने भर से ये ट्रांसमिशन हो सकता है और ये नेल्स के अंडर में हम क्यों कहा जाता है आ, कि नेल्स को आप हमेशा कट करके रखिए क्योंकि नेल्स के अंडर ये बैक्टीरिया पनप जाता है ये बैक्टीरिया राइट इसका ट्रीटमेंट है एम मल्टी ड्रग थेरेपी इसके ट्रीटमेंट को लेप्रेसी के ट्रीटमेंट को एम बोलते हैं ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एम जो है वो इनमें से किस मर्ज के लिए एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जाता है तो उसका आंसर है लेप्रेसी राइट देन वी हैव कॉलेरा कॉलेरा को हिंदी में हम हैजा कहते हैं ये एक एपिडेमिक बीमारी है मतलब कि महामारी यह भी फैलती है इसका बैक्टीरिया कौन सा है विब्रियो कॉमा या विब्रियो कॉलरी सिम्टम्स वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस एफेक्टेड ऑर्गन्स क्या हैं स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स राइट इसमें क्या होता है जैसे ही अगर आपको मान लीजिए कॉलेरा है आप कुछ भी खाओगे तो वॉमिट हो जाएगा लूज मोशन के थ्रू निकल जाएगा वो ठीक है देखिए कोई भी बीमारी कोई भी बीमारी जिसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही है तो सीधा सीधा है कि आप खा नहीं पाओगे कुछ भी खाते ही आपको सीधे सीधे वॉमिटिंग आ जाएगी और अगर लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही है तो उसमें भी सेम केस होगा उसमें यह होगा कि आपको पेन भी एक्सट्रीम होगा जैसे कोलाइटिस राइट इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है अगेन ट्रांसमिटेड फ़ूड समर्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है कॉलरा वगैरह ज़्यादा फैलता है क्यों ज़्यादा फैलता है एक्चुअली इसका जो बैक्टीरिया होता है ये उन जगह ज़्यादा पनपता है जहाँ थोड़ी सी से uh, की थोड़ी सी जहाँ ह्यूमिडिटी टाइप होती है जहाँ थोड़ी सी या चिपचिपापन होता है और किन खानों में ज़्यादा होता है जिसमें स्टार्च होता है ज़्यादा जैसे आलू आप बाहर गर्मियों में ना थोड़ा सा आलू आप कम खाओ क्योंकि वो लोग थोड़ा सा पुराना अगर थोड़ा आलू रहता है आपने देखा होगा पुराने आलू में एक चिप चिपचिपापन आ जाता है स्टार्च बहुत उसमें वो चिपचिपापन बहुत हो जाता है उसमें ऐसे ही मटर जो बाहर खाने में जो बाहर थोड़ा सा अनहाइजीनिक प्लेस में जो मटर डालते हैं जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चिपचिपापन आ जाता है उसमें इससे कॉले होने का चांसेस बढ़ जाता है इसीलिए अनहाइजीनिक प्लेसेस में हम स्टार्च रिच फूड का जो कंजम्पशन होता है अवॉइड करना चाहिए राइट थैंक यू सो मच फॉर लिसनि टू द लेक्चर आप प्लीज इसको रेड कीजिए प्लीज रिव्यू कीजिए एंड डू शेयर द लेक्चर थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आर कोर्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस इस लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस का आ, वो डिजीजे जो इसमें काउंट होंगी वो है टेटनेस बहुत कॉमन आपने सुना होगा जब भी कभी चोट लग जाती है तो कहा जाता है टेटनेस का इंजेक्शन लगवाने को राइट right? तो वो क्या होता है उसका कौन सा बैक्टीरिया होता है देन वूपिंग काफ इसको हम हिंदी में कहते हैं काली खांसी निमोनिया प्लेग फूड पॉइजनिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट वेरी कॉमन एक्चुअली जो डिजीज़ है ये है फूड पॉइजनिंग ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स में खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है नाउ देखते हैं हम एक एक करके टेटनिस में क्या होता है टेटनिस को हम लॉक जॉ भी कहते हैं या बोन शेप डिजीज भी कहते हैं बो शेप डिजीज बेसिकली सॉरी इसको हम बो शेप डिजीज भी कहते हैं क्यों हम ऐसा कहते हैं क्योंकि टेटनिस होने पे जो ये हमारा जो टीथ स्ट्रक्चर और जॉ होता है या हिंदी में जिसको हम जबड़ा कहते हैं दांत का ये एकदम लॉक हो जाता है खाना खिलाने के लिए भी ऐसे पेशेंट को पहले किसी को पहले हाथ डाल के पहले ये जॉ उसका ताकत लगा के ओपन कराना पड़ता है दांत एकदम टाइट हो जाते हैं बॉडी इतनी अकड़ जाती है कि बीत से बॉडी ऊपर उठ जाती है आदमी लेटा रहता है और बीत से उसकी बॉडी एकदम ऊपर बो शेप रेनबो जैसा होता है उस बो शेप डिजीज बो बोशेप बॉडी बॉडी में अकड़न इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ये डिजीज़ ऐसा इसका पेशेंट ऐसा होता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है टैटनेस के पेशेंट की इसीलिए कहा जाता है कि प्रिकॉशनरी आप सबसे पहले जाके चौबीस घंटे के अंदर अंदर आप वैक्सीनेशन कराइए राइट इसका कौन सा बैक्टीरिया होता है इट इज़ क्लोस्ट्राइडियम टेटानी बैक्टीरिया इसका क्लॉस्ट्राइडियम टेटानी बैक्टीरिया कैसे एंटर करता है बैक्टीरिया ऑफन एंटर्स दी बॉडी थ्रू अ पंक्चर वूंद कॉज बाय नेल्स स्प्लिंटर्स इंसेक्ट बाइट्स बर्न्स एनी स्किन ब्रेक देखिए होता क्या है ऐसा नहीं है कि टेटनेस आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ काट ले कोई जानवर काट ले या कोई पर्टिकुलर जगह आपको ये आपको चला जाए आपकी बॉडी में एक्चुअली क्या होता है ना ये सब बैक्टीरियाज़ जो है ये हमारे आस हर समय मौजूद रहते हैं ये सारे बैक्टीरियाज अभी बात यह होती है कि ये कैसे हमारे अंदर जा पाए कई ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं वो हम उन पर आएंगे अभी तो जैसे टेटनिस का बैक्टीरिया ये हमारे आसपास रहता है लेकिन और जैसे ही कोई चोट लगती है वन पंचर जैसे कि अभी आ, कभी कभी जब बाइक से आ, स्लिप हो जाते हैं या स्कूटी से टू व्हीलर से स्लिप होते हैं तो जो रैश टाइप की जो चोट आ जाती है उसमें बहुत रिस्क होता है क्योंकि डस्ट में ये बैक्टीरिया काफ़ी पाया जाता है ये जो नॉर्मल डस्ट होती है रोड्स पर जो डस्ट होती है उसमें यह बैक्टीरिया बहुत होता है इसी तुरंत हम कहते हैं कैसा भी छोटा सा इंजेक्शन लगा हो या फिर कोई नेल कोई कील जिसमें कि जंक लगा हुआ कील जो होता है उस पर भी ये बैक्टीरिया रहता है तो जैसे ही कोई जंग इसीलिए हम कहते हैं लोहे से अगर कटा हो तो तुरंत आप टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लें ट्रीटमेंट क्या है इसका कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं ए का इंजेक्शन लगवाते हैं हमें डॉक्टर के वहाँ जाके हमें कहना है कि हमें ए लगवाना है ए क्या होता है एंटी टेटनिस सिरम ठीक है ये बनता कैसा ये हॉर्स से बनता है ये ये हॉर्स से बनता है लेटेंट पीरियड का मतलब ये बैक्टीरिया कितने टाइम में मच्योर हो जाता है 24 फोर आवर्स में इसीलिए हमको 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर 2 एम का ये एंटी टेटनस सीरम जो होता है जिसका हमें ये लगवाना होता है जस्ट 2 एम सिर्फ एक इतना सा प्रिकॉशन लेके हम सेफ रह सकते हैं राइट आगे बढ़ते हैं सबसे पहला है हमारा हुपिंग कफ इसका बैक्टीरिया है, है हेमोफिल पर्ट्यूसिस राइट इफेक्टेड पार्ट इज रेस्परेटरी सिस्टम हुपिंग कॉफ जो होता है काली खांसी इसमें आदमी खांसता है तो इसमें ऐसी खांसी होती है जैसे कि डॉग बाग टाइप की खांसी की आवाज़ आती है ट्रांसमिशन कैसे होता है एयर के थ्रू राइट वैक्सीनेशन क्या है डी टैप उसको हम कहते हैं डी टैप ओके बच्चों में डी टैप और एडल्ट्स में टी डैप बच्चों के लिए वैक्सीनेशन हुपिंग कॉफ का डी टैप अडल्ट में टी डाप याद रखिएगा इस चीज़ को फिर हम बढ़ते हैं निमोनिया के ऊपर निमोनिया का बैक्टीरिया क्या होता है स्ट्रोप्टोकॉकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकास निमोनिया आपको इन सभी बैक्टीरियाज का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अफेक्टेड पार्ट इसका लंग्स को ये अफेक्ट पड़ता है इसमें सांस फूलने लगती हैं आदमी को सांस नहीं आती है हाईली मॉइस्चर डिपेंडेंट डिजीज़ होती है ये जहाँ मॉइस्चर अधिक होता है वहाँ पे ये डिज़ीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं अभी आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसमें क्या होता है निमोनिया में ऐसा निमोनिया के बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते हैं निमोनिया की बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हम सभी के लंग्स में रहते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं एक्टिव कब होते हैं जब उनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब एक्टिव होते हैं इसीलिए हम एक चीज़ और बोला जाता है कि पैसिव स्मोक जो लोग स्मोक करते हैं अगर उनको किसी को निमोनिया है और वो कोई स्मोक कर रहा है या निमोनिया का बैक्टीरिया उसके अंदर एक्टिव हो रहा है धीमे धीमे अगर वो स्मोक कर रहा है तो जब वो एक्जेल करता है अपना स्मोक जितने भी लोग उसके आसपास हैं उन सब के अंदर वो बैक्टीरिया और एक्टिवेटेड बैक्टीरिया एंटर कर रहा है उन सबके अंदर अब ये पर्सन की इम्यूनिटी पर डेवलप डिपेंड करता है कि वो कितना रोक पाता है उस बैक्टीरिया को इसीलिए कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग इस रीज़न से भी एक ये भी रीज़न है कि बीमारियाँ ट्रांसमिट हो जाती हैं पैसिव स्मोकिंग बीमारियों के रीज़न से भी बहुत हार्मफुल होती है एक्टिव तो हार्मफुल होती ही होती है देन वैक्सीनेशन इसका वैक्सीनेशन क्या होता है पी 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 वी आपको शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखना है इसी में शॉर्ट फॉर्म में ही ये पूछा जाता है इसका वैक्सीनेशन पी सी वी एंड पी पी वी ये निमोनिया का वैक्सीनेशन होता है क्लियर अब हम आते हैं प्लेग के ऊपर प्लेग भी एक एपिडेमिक डिजीज है एपिडेमिक मतलब महामारी मतलब ये फैलती है क्लियर लातूर इंडिया में लातूर महाराष्ट्र में एक जिला है लातूर वो बहुत इफेक्टिड हुआ था पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था लातूर महाराष्ट्र में इफेक्ट हुआ था ये इसका बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन सा होता है पेस्टेरला पेस्टिस पेस्टेरला पेस्टिस लिम्फ नोड्स जो होती हैं ये इसमें इफेक्ट हो जाती हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं प्लेग के बहुत ही हाई फीवर होता है आँखों में आपके डिजीज आ जाती है जिसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस आँखों में सूजन आ जाती है आँखों में लाली आ जाती है बहुत ज़्यादा राइट और ये कैसे ट्रांसमिट होता है चूहों के थ्रू रैट्स के थ्रू इसीलिए क्यों जब हम कभी भी कहा जाता है कि किचन वगैरह में कभी भी खाना खुला ना छोड़ें क्यों खुला ना छोड़ें क्योंकि रैट्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है अभी राट्स जब आपका आके खाना अगर थोड़ा सा चक जाता है या आपका कोई भी थोड़ा सा किसी खाने में उसने अपना मुंह लगा दिया के लिए रैट्स अगर आप खाना चख जाते हैं या उसमें मुंह मार जाते हैं तो क्या होता है उनका जो सलाइवा होता है उसमें वो बैक्टीरिया रहता है राइट right? तो अभी सलाइवा उसमें टच कर गया वही आपने कंज्यूम किया तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया क्लियर इसीलिए खाने को कहा जाता है कवर्ड रखने के लिए तो पर देखते हैं फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग तो ये बहुत ही कॉमन है बैक्टीरिया ऐसा कौन सा होता है ये कैंपाइलो या सेलमोनेला एस्करी ई कोलाई ई कोलाई इज एसकरीशिया कोलाय बोटिज्म ये एक एसएससी जिस बैक्टीरिया पे फोकस करता है ज़्यादातर उसने जिस बैक्टीरिया पे फोकस किया है वो ये दो बैक्टीरियाज हैं ई e. कोलाई और बॉट्यूलिज्म राइट एस एस सी बेसिकली इनके ऊपर फोकस करता है ऑल दो uh, यहाँ पर सारे बैक्टीरियाज आपको दिए गए हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है इसका अफेक्टेड पार्ट स्टमक पे एफर्ट करता है और किसमें किसमें बेसिकली आपका जो ये मटर होती है देन जितने भी स्टार्च रिच फूड होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है ये और हाई टेम्परेचर पे ये गर्मियों में अक्सर ये आपको ये चीज़ हो जाती है कि गर्मियों में अक्सर आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ये जो आ, आपका आलू हो गया या ये आपका मटर हो गया ये इनमें इस चीज़ के ट्रांसमिशन की जो कैपेबिलिटी होती है जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है ठीक है इनमें जो ये ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज होने लगते हैं गर्मियों में ये राइट right? तो थैंक यू सो मच ये हमारा लेक्चर था बैक्टीरियल डिजीजेस के ऊपर इसके अगले लेक्चर में हम दो बैक्टीरियल डिजीजेस जो हमारी बची हुई हैं वो हम कवर करेंगे उसके अलावा फिर हम प्रोटोजोआन डिजीजेस के ऊपर जाएंगे ओके थैंक यू सो मच हेलो एंड वेलकम टू आर लेक्चर ऑन बैक्टीरियल एंड प्रोटोजुआन डिजीजेस इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारी दो बची हुई बैक्टीरियल डिजीजेस राइट right? देन हम देखेंगे प्रोटोजोआ के थ्रू कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं राइट right? हमने वायरल डिजीजेस हम देख चुके हैं हम बैक्टीरियल डिजीजेस देख चुके हैं अब हमारे इसमें हम देखेंगे प्रोटोजोअल डिजीज एंड नेक्स्ट में हम देखेंगे फंगल डिजीज राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव आई एव डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्राम आई ई टी लखनऊ आईव क्लियर एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड सिक्सटीन प्री प्लस मेन्स यू कैन फॉलो मोर अन अकेडमी और आप प्लीज़ इस लेक्चर को रेट कीजिए रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए शुरू करते हैं एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया कौन सा होता है एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रासिस। अफेक्टेड पार्ट लंग्स और स्किन ट्रांसमिशन इसका होता है शीप के शीप इसका वेक्टर होता है शीप कि जब हम ज़्यादा उसमें रहते हैं भेड़ बकरी के आसपास रहते हैं तो इसके चांसेस रहते हैं एंथ्रैक्स के अलकायदा ने इसको एज बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया था 2001 में देखिए बायोलॉजिकल वेपन की खासियत क्या होती है इसको क्यों इसको बहुत ही ज़्यादा इसको नुकसानदायक मानते हैं बहुत लीथल और बहुत घातक मानते हैं बायोलॉजिकल वेपन ने क्यों अगर आपकी एक मिसाइल आएगी तो वह एक पर्टिकुलर एरिया को डैमेज करेगी ठीक है लेकिन अगर आपकी इवन अगर आपकी एक बंदूक हो बंदूक भी होगी रॉकेट भी, भी होगा तो वो एक पर्टिकुलर जगह को डैमेज करेगा अगर लेकिन किसी ने एक बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ कर लिया बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ जैसे कि मान लीजिए किसी ने क्या किया जैसे नदी है हमारी मान लीजिए गंगा नदी है राइट किसी ने उसको पॉल्यूट कर दिया एक ऐसे सेल्फ मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया से एक ऐसे बैक्टीरिया से या ऐसे वायरस से जो कि खुद में अपने आप ही मल्टीप्लाई होता चला जाता है तो क्या होगा पूरी नदी पूरी नदी में वो वायरस फैल जाएगा अभी जहाँ जहाँ भी वो नदी जाएगी पूरा वो वायरस फैल जाएगा उन सब जगह जितने लोग उस पानी को पियेंगे उन सब में वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा राइट या मान लीजिए किसी नदी में तो चलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया ये बहुत बड़ा काम हो गया एक लेक में ये चीज़ करना आसान है एक लेक में अगर किसी शहर में मान लीजिए किसी को वायरस फैलाना है तो एक लेक को ही खाली इन्फेक्ट कर दिया जाए अगर वायरस से तो उस लेक से जितने भी वेल्स आपके रिचार्ज होते हैं उस लेक से जितने भी घरों में पानी जाता है जितना भी आपकी खेती होती है उस लेक से वो वायरस उन सब चीज़ों में ट्रांसमिट कर जाएगा इतना ख़तरनाक होता है बायोलॉजिकल वेपन ये वन ऑफ़ द लीथल वन ऑफ़ द मोस्ट लीथल वेपन्स में माना जाता है बायोलॉजिकल वेपन इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर बैन लगा रखा है और ऐसा माना जाता है ये रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि रशा के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं तो वो रशा के पास हैं ऐसा कहते हैं ठीक है थीके? अब आ, आ, आगे बढ़ते हैं हम ये चीज़ें सिर्फ आपके ऐसे जनरल नॉलेज के लिए थी आ, बीच में आई तो मैंने सोचा बताता चलूँ आपको आ, डिप्थीरिया डिप्थीरिया एक चाइल्ड डिजीज़ है बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है डिपथीरिया इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है कौन ए बैक्टीरियम डिप्थीरिए बैक्टीरिया क्या है कौन है बैक्टीरियम डिप्थीरिया याद करने में आसान है क्योंकि इसका जो बाद वाले जो पार्ट है वो डिप्थीरिया से मैच करता है राइट अभी एफेक्टेड पार्ट नेक में क्या होता है आगे की तरफ एक फॉल्स मतलब कि एक सूजन सी आ जाती है और एक लेयर सी फील होने लगती है आगे नेक के फ्रंट पार्ट में राइट हवा से ये ट्रांसमिट होता है और डीपीटी इसकी वैक्सीन होती है ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है डीपीटी को आप ऐसे याद कर सकते हैं डिप्थीरिया का देखा जाए तो डी पी टी फुल शॉर्ट फॉर्म भी एक तरीके से आप देख सकते हैं डिप्थीरिया में डी बी है पी बी है टी बी है राइट right? तो डी पी टी इज दैक्सीन फॉर डिप्थीरिया इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है ये अगर कभी पूछा जाए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस में काम आती है तो आप आंसर देंगे डिप्थीरिया क्लियर देन काला अजहर काला ज़हर आज भी बिहार में पाया जाता है ये एक बैक्टीरियल बीमारी होती है और इसको कोसी रिवर जो बिहार की है उसके आसपास आज भी इंडिया में बिहार में पाया जाता है ये अफ्रीका से ये इसमें जो डिज़ीज़ है ये इसको बेसिकली जो ये आपने डमडम दं फ़ीवर सुना होगा तो ये डमडम दं फ़ीवर टर्म आया है अफ्रीका इसी काला अजर को ही अफ्रीका में डमडम फीवर बोलते हैं ये क्वेश्चन एस में आ चुका है कि डमडम फीवर या काला अजर का दूसरा नाम क्या है इसका ये अब प्रोटोजोआन डिजीजेस में है राइट ये अब हम प्रोटोजोआन डिजीज प्रोटोजोआ होते हैं सिंगल साइड प्रोटोजोआन डिजीजेस में है ये होता है इसका कौन सा है लिस्मानिया लिस्मानियासिस जीनस इसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है लिस्मानियासिस जेनस एफेक्टेड पार्ट आर वेक्टर मतलब जो कैरी करता है ये जो ऐसा वेक्टर वो होते हैं जो कि जिनके थ्रू हमारी बॉडी में ये आता है ये ये प्रोटोजोआ तो वो है सैंडफ्लाई क्लियर अभी आर इफेक्ट होने से देखिए क्या होगा आ, ये हमने अनिमा में भी देखा था आर अगर कोई भी बीमारी आर को अफेक्ट करेगी तो थकान आएगी क्यों आर ही वो हैं जो कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको अपने साथ अटैच करके पूरी बॉडी में लेके चले जाते हैं और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी आर ही अगर इफ़ेक्ट हो जाएंगे तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगा बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो थकान ज़्यादा आएगी क्लियर फिर हम आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस को हम ये अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियास अभी ये काफ़ी टफ़ और टेक्निकल टर्म्स हैं ये मेडिकल टर्म्स हैं एफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस तो आपको खैर याद करने हैं क्योंकि एस एस सी आपको ये भी दे सकता है इसमें जितनी स्लाइड्स में जितने भी टर्म्स हैं ये सभी आपको याद करने हैं इसका प्रोटोजोआ कौन सा होता है ट्राइपानोसोमा ट्राइपानोसोमा इसका आपका ये प्रोटोजोआ होता है सिम्टम्स क्या हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर एबनॉर्मल टोन मोबिलिटी इसमें आपका क्या होता है कि पर्सन जो होता है उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है उससे उसके कोमा में जाने के भी खतरे रहते हैं और इसका वेक्टर क्या है टेस्टिस फ्लाई राइट इसका वेक्टर है टेस्टिस फ्लाई क्लियर ये एक और ये बीमारी जो है ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये अफ्रीका में बहुत मोस्टली बीमारियाँ जो है ये आपकी अफ्रीका में ज़रूर पाई जाती हैं क्योंकि अफ्रीका एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड रीजन है और अंडर डेवलप्ड रीजन में हमेशा ही बीमारियों का बहुत ज़्यादा आपका जो एक डोमिनेंस रहता है राइट थैंक यू सो मच आप इस लेक्चर को प्लीज़ रेट कीजिए रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू हेलो एंड वेलकम टू आर लेक्चर ऑन प्रोटोजोआ एंड फंगल डिजीजेस इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटोजोआ डिजीजे जो हमारी दो बची हुई हैं देन वेलकम टू फंगल डिजीजेस प्रोटोजोआन डिजीजेज में जो हमारी दो बची हैं वो हैं डिसेंट्री एंड पायरिया ये पायरिया तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा देन uh, हमारी एक है फंगल डिजीजेज़ भी इसमें कौन कौन सी आएँगी पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कौन कौन सी डिजीजे फंगल डिजीजेज़ होती हैं देन इनके बारे में हम पढ़ेंगे रिंग बॉम स्केबीज लाइक दैट अभी हम आगे बढ़ते हैं अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी आई नेम इज़ अमन श्रीवास्तव आई हेव डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन फ्रॉम आई ई टी लखनऊ आई क्लियर एस एस सी सी जी एल प्री प्लस मेन्स यू कैन फॉलो मी एन अन अकेडमी और इस लेक्चर को प्लीज रेड कीजिए रिव्यू कीजिए और शेयर कीजिए शुरू करते हैं पहले हम देखते हैं डिसेंट्री डिसेंट्री को हम अमीबाइसिस भी कहते हैं डिसेंट्री को हम कहते हैं अमीबायसिस भी इसका एक नाम है ये भी एस एस सी में डायरेक्टली पूछा जाता है देन कौन सा प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से ये होता है तो यह एंटामीबा हिस्टोलिटिका इस प्रोटोजोआ का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका मेडिकल टर्म्स के नाम है थोड़े ऐसे ही होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं एफेक्टेड पार्ट कोलोन कोलन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन राइट कोलन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन किससे फैलता है हाउस फ्लाई का कैरियर होती है ठीक है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है सिम्टम्स क्या है एब्डोमिनल पेन लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब कि पेट में जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है नाभि से नीचे का हिस्सा होता है उसको हम एब्डोमिन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में उसको कहते हैं एबडामिन वहाँ पे दर्द होता है नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द होना लॉस ऑफ हेपीटाइट मतलब भूख का मर जाना भूख ना लगना सर दर्द वॉमिटिंग ये सिम्टम्स हैं डिसेंट्री के अकबर डाइड ऑफ दिस डिजीज डिसेंट्री से ही अकबर जो थे वो डिसेंट्री से ही ख़त्म हुए थे तो आप समझ सकते हैं ये एक सीरियस बीमारियों में आती है देन हम आते हैं पायरिया ये बहुत ही कॉमन अक्सर सुना होगा पायरिया इसका प्रोटोजोआ कौन सा होता है एंटेमिबा जिनजी जिंजीवाइटिस एंटेमिबा जिनजवाइटेस राइट इफेक्टेड कौन सा पार्ट इसमें अफेक्ट होता है गम्स इसमें अफेक्ट होते हैं गम्स का मतलब मसूड़े जो दांतों को आपको बाइंड करके रखते हैं वो होते हैं गम्स उनको हम कहते हैं गम्स इसमें वो अफेक्ट हो जाते हैं क्या होता है उसमें सड़न सी होने लगती है ब्लीडिंग सी आने लगती है दांत और मसूड़े का जो जॉइंट होता है ना जिस जगह जो आपको अपने टीथ आप जब ओपन करोगे मिरर में तो जो आपको जॉइंट दिखता है ना वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हल्के हल्का 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 वहाँ से खून रिश्ता रहता है ये होते हैं पायरिया में और ब्रीदिंग बहुत ही ऑफेंसिव सी बहुत ही खराब ब्रीद आप अपने मुंह की जो सांस होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है ये पायरिया के सिम्टम्स होते हैं राइट अब हम आते हैं फंगस के ऊपर फंगस जो होता है ये मल्टी सेल्युलर सेप्रोफाइट्स होते हैं मल्टी मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं इनमें अभी सेप्रोफाइट्स का मतलब सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके ऊपर जो उगते हैं जो डेड एंड डीकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर उगते हैं जैसे आपने कई बार देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है उसके ऊपर छोटे छोटे अम्ब्रेला टाइप की फंगस जैसी कुछ एक अम्ब्रेला टाइप का कुछ निकल आता है उसको फंगस बोलते हैं राइट right? या फिर आपने अक्सर देखा हो कभी एक लकड़ी अगर पानी में भीगती रहती है तो उसके ऊपर छोटे 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 हल्के छोटे अम्ब्रेला टाइप या फ्लावर टाइप के कुछ चीज़ें निकल आती हैं वो भी फंगस होती है अभी फंगस कुछ फंगस ऐसी होती है जो जहरीली होती है कुछ फंगस ऐसी होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे न्यूट्रियट्स मिलते हैं जैसे कि मशरूम ईस्ट राइट right? ये तो हो गई जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं इसी तरह अगर हम देखें इसके ऑपोजिट ब्रेड मोल्ड जब कभी कभी क्या होता है आपकी जो ब्रेड आप घर पे लाते हो जब भी वो थोड़ी पुरानी हो जाती है उसके ऊपर आपने देखा होगा हरा हरा सा कुछ छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं हरे से काले से ब्रेड की एक्सपायरी डेट के बाद वो फंगस होती है वो आपकी बॉडी के लिए जहरीली है वो आप खाओगे तो आपके पेट में दर्द होगा आपको पेट की अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसीलिए हम कहते हैं कभी भी ब्रेड या कोई भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट जो हो आ, ब्रेड हो गया है डेयरी प्रोडक्ट कोई भी कभी भी एक्सपायरी डेट के बाद नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि ऑल्दो इवन अगर उसमें आपको फंगस आपको ऊपर ना दिखे आ सकता है आप नेकेड नेकेडाइज से आपको फंगस ना दिखे लेकिन एक्सपायरी डेट के बाद प्रिकॉशनरी नहीं यूज़ करते हैं हम अभी देखिए फंगस जो देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा कि फंगस एक मल्टी सेल्युलर है राइट right? मतलब फंगस में कई सेल्स होते हैं अब उन पर्टिकुलर सेल्स की जो सेल वॉल होती है जो सेल की आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है चिटिन की बनी होती है उस सेल वॉल को हम बोलते हैं उस सेल वॉल जिस मटीरियल की बनी होती है उसको हम कहते हैं चिटिन राइट देन स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी लॉजी का मतलब आप जानते हैं स्टडी होता है राइट right? तो कभी भी लॉजी किसी भी वर्ड में लगा हो तो आप समझ जाना कि वो स्टडी की बात कर रहा है सो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी नाउ रिंग रिंगव भी एक फंगल डिजीज होती है इसका फंगस का नाम होता है ट्राइकोफाइटिन ट्राइकोफाइटिन र्यूब्रम ट्राइकोफाइटिन र्यूब्रम राइट अफेक्टेड पार्ट स्किन अभी क्या होता है ये कैसे होता है जैसे आपने अक्सर देखा होगा टी वी अक्सर एक ऐड आता है बहुत कॉमन ऐड है यहाँ इंडिया में तो दाद खाज खुजली राइट बीटेक्स उसमें जो आपको दिखाते हैं एक रेड सा एरिया होता है स्क्रैची सा होता है एरिया सा होता है एक रेडिशनेस सी होती है उसमें वो रिंग वॉम होता है वहाँ पे वो कैसे हो जाता है Uh, कभी कभी अगर जैसे एक तो गर्मियों में हो जाता है एक तो पसीने से हो जाता है और अपना थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान ना साफ़ सफाई का ध्यान ना रखने की वजह से भी हो सकता है और एक काफ़ी कॉमन कॉज क्या होता है जब आप बारबर्स के पास जाते हैं उनके ब्लेड में जो उनका उस्तरा होता है उसमें ब्लेड फिलर्स का मतलब ब्लेड फ़िलर्स क्या होते हैं वही सेम उस्तरा अगर दो लोगों के इस्तेमाल कर दिया तीन लोगों का इस्तेमाल कर दिया तो भी इसके इसका ख़तरा रहता है इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप बारबर के वहाँ जाएँ तो कभी भी अगर तरह का इस्तेमाल हो रहा हो तो ब्लेड जरूर चेंज करवाएं अपने सामने राइट right? अब दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ही कॉमन है डैंड्रफ एंड बैल्डनेस डैंड्रफ यानी कि रूसी और बैडनेस यानी कि गंजापन बालों का गिरना बैल्डनेस ये भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं कभी जब बैडनेस आ रही होती है किसी के यंग एज पे ही अगर बाल गिरने लगते हैं तो जब ही डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है डैंड्रफ होता किससे है डैंड्रफ भी फंगल से होता है फंगल इन्फेक्शन से होता है तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती हैं राइट अब हम आगे बढ़ते हैं स्केबीज स्केबीज क्या होता है स्केबीज़ का जो साइंटिफिक टर्म है वो है सरकैप्टिक सरकॉप्टिक मैंगी सरकॉप्टिक मैंगी राइट किससे होता है कौन सी फंगस इच मिली इच माइट या इच मिली इसके दो नाम इच माइट या इच मिली राइट अभी कौन सा लोशन लगाते हैं इसको ताकि ये आगे ना फैले है? इसको हैं स्केबियल लोशन स्केबियल लोशन इसकी खासियत क्या होती है स्केबियज की कि इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है आपका मन करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इचिंग हो आप इचिंग करो लेकिन इचिंग से ये बढ़ और इचिंग जितनी ज़्यादा आप करोगे उसकी ये खुजली उतनी ही बढ़ती चली जाएगी इसीलिए इसमें खुजलाना मना होता है और स्केबीज लोशन होता है वो हम इस पर अप्लाई करते हैं क्लियर एक एस एस का एक कॉमन क्वेश्चन और है जो कि डायरेक्टली पूछ लेता है डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस क्या है ये फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फ्लेक्शन डर्मेटाइटिस सबसे पहले तो आप ये देखिए डर्मा डर्मा का मतलब स्किन डर्म का मतलब स्किन होता है डी ई आर एम एस स्किन और आइटिस का मतलब हम पढ़ चुके हैं आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन तो स्किन का इन्फ्लेशन इसको हम एग्ज़ीमा भी कहते हैं और ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है क्लियर सो थैंक यू सो मच आप इस लेसन को प्लीज़ रिव्यू ज़रूर कीजिएगा उससे हमें आइडिया लगता रहता है कि हमारा जो कॉन्टेंट क्रिएशन है वो किस लेवल पे है वो ठीक है कि नहीं ठीक है थैंक यू सो मच और कमेंट अपना दीजिएगा कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन हमारे इसी लेक्चर के नीचे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है तो आप उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा आपको उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा Thank you so much.